नमस्कार दोस्तों, दीपावली महापर्व पूरे देश में जोर शोर और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। हम आपको इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही आज चर्चा कर रहे हैं हमारे खंडवा से सनावद ओंकारेश्वर रेलखंड के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक ट्रेन जो सनावद की ओर से माल लेकर खंडवा की ओर जा रही है। यह काफ़ी मुख्य रेल मार्ग भविष्य में बन जाएगा, जबकि इसका पूरा आमान परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय हम सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल में यहाँ पर जो मालवाहक गाड़ियाँ हैं उनकी आवाजाही काफ़ी बढ़ गई है और सनावद स्टेशन से अच्छा खासा रेवेन्यू इसके कारण जनरेट हो रहा है। सनावद स्टेशन से खाद की जो सप्लाई है वह देश के विभिन्न हिस्सों में की जाती है। वहाँ पर खाद की कई फैक्ट्रियाँ हैं और इसके कारण से वहाँ से विभिन्न खंडवा जंक्शन स्टेशन कनेक्ट नहीं था। उस स्थिति में जो मथेला होकर ट्रैफिक जो सेल्दा पावर प्लांट है वहाँ पर एनटीपीसी का कोयला वगैरह लेकर जाता था, लेकिन अब यह सीधे कनेक्ट होने के कारण से जो महाराष्ट्र की ओर से आने वाला कोयला है वह खंडवा जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 के मार्फत से होते हुए सनावद वाले ट्रैक पर जा रहा है और निमारखेड़ी के रास्ते यहां से सेल्दा तक पहुंच रहा है। इससे भी रेलवे को राजस्व की प्राप्ति होती है तथा सेक्शन में ट्रैफिक इसके कारण से बना हुआ है। कहने को 5 दिन एक गाड़ी चलाई जा रही यात्रियों की सुविधा के लिए और इस सेक्शन में अब ट्रेनों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता देखी जा रही है। सुझाव दिया गया है कि जो ट्रेन भुसावल जंक्शन पर मेंटेनेंस के लिए जाती है हफ्ते में 2 दिन उसको टाइम टेबल के साथ में चलाया जाए, जिससे कि जो भुसावल से खंडवा के बीच के यात्री हैं वे लोग सनावद तक यात्रा कर सकते हैं और भविष्य में जब इस ट्रेन का विस्तार ओंकारेश्वर रोड स्टेशन तक हो जाएगा उस स्थिति में वे लोग वहां पर भी जा सकेंगे। ऐसी डिमांड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उच्च स्तर पर भी उठाई गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी इस बारे में कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। बहरहाल चर्चा कर रहे हैं राजस्व प्राप्ति के बारे में, तो भविष्य में यह जो हमारा ओंकारेश्वर रोड स्टेशन से जब यह खंडवा जंक्शन कनेक्ट हो जाएगा उस स्थिति में भुसावल की ओर से ट्रेन यहां पर जा सकेगी, साथ ही इटारसी की ओर भी गाड़ियां चलाई जा सकेंगी जैसा कि क्षेत्र की डिमांड उठाई जा रही है। साथ ही जो विभिन्न टाइम टेबल कमेटियों में पूर्व में प्रस्ताव दिए गए थे कि भुसावल के लिए ट्रेन सनावद से चलाई जाए, साथ ही भोपाल के लिए भी सनावद से ओंकारेश्वर से ट्रेन भविष्य में आसानी से चलाई जा सकती, क्योंकि सेक्शन अब तैयार हो चुके हैं और जो भी दिक्कतें थी उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो ओंकारेश्वर रोड स्टेशन है वह अगले वर्ष की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा, पूरी तरह से उसका कार्य हो जाएगा। उसकी भी कवरेज हम आपको जल्दी ही दिखाने वाले हैं, क्योंकि उसकी ताज़ा जानकारियां हमारे पास में आ चुकी हैं कि कब तक वह सेक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बनने के पश्चात में जो गाड़ियां हैं यात्री गाड़ियां हैं वह सीधे हमारे ओंकारेश्वर स्टेशन तक जा सकेंगी और जो श्रद्धालु हैं उन्हें आने जाने के लिए सड़क मार्ग के बजाय रेल मार्ग का विकल्प खंडवा की ओर से उपलब्ध हो जाएगा। फिलहाल में सनावद तक यात्री ट्रेन से जाकर ओंकारेश्वर धाम की यात्रा करते हैं और भविष्य में जब सीधी ट्रेनें चलने लगेंगी उस स्थिति में काफ़ी सहूलियत जनता को हो जाएगी। बस जल्द से जल्द जो कार्य है ओंकारेश्वर स्टेशन के वह पूरे हो जाएं, जैसे कि यात्री सुविधाएं वहां पर जुटाई जा रही है, साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी लगभग इसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया जा चुका है। अगले वर्ष हम उम्मीद कर सकते हैं कि खंडवा से सनावद की ओंकारेश्वर की सीधी ट्रेन हमें चलने को मिल जाए, तो अगले वर्ष से इसका सभी को फ़ायदा मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद।